विद रिवीजन में आज अपने बात कर रहे हैं 12th और 13th सितंबर के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। आज के वीडियो से आपको नेक्स्ट एग्जाम जो भी होगा वहाँ पर क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। फिर बात करें आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष एकल में US ओपन 2021 का जो खिताब है, टाइटल है, वो अभी हाल ही में किसने जीता? सो इसका राइट आंसर होगा रशिया के रहने वाले डैनियल मेदवेद ने बेसिकली ये जो टाइटल है वो जीता है, और डैनियल मेदवेद के द्वारा जीता गया ये अपनी लाइफ का पहला यूएस ओपन या ग्रैंड स्लैम माना जाता है। फिर बात करते हैं, इन्होंने सर्बिया के जो नोवाक जोकोविक है उनको इसके अंदर हराया था, और ये तो बात हुई मेंस कैटेगरी की। अब बात करते हैं अपने वुमेंस कैटेगरी की। सो वुमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो अपने जो ब्रिटेन की इमा रादू कानू है, इन्होंने ये टाइटल जीता, और इन्होंने जो कनाडा की लेलिया फ्रेंडिज है इनको इसके अंदर हराया था। अब बात करते हैं, ये इस साल का जो है फोर्थ ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले जो है अपनी यदि बात करती हैं, सबसे पहले जो होता है ऑस्ट्रेलिया होता है, उसके बाद जो होता है फ्रेंच उसके बाद विंबलडन, और उसके बाद यूएस जो ओपन होता है। ये चार ग्रैंड स्लैम पूरे वर्ष के अंदर टेनिस जो प्लेयर अपने जो गेम होता है उसके अंदर खेले जाते हैं। अब अपने इन सभी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो मेंस कैटेगरी और वुमेंस कैटेगरी के अंदर बेसिकली किसने जीता था। सो नोवाक जोकोविक जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया मेंस कैटेगरी के अंदर जीता था, और जो इसी के अंदर वुमेंस कैटेगरी की यदि अपने बात करते हैं तो नवामी ओसाका जो कि जापान की है उन्होंने ये टाइटल जीता था। इसी तरह से फ्रेंच ओपन की यदि अपने बात करते हैं तो नोवाक जोकोविक के द्वारा ही ये जीती सॉरी नोवाक जो जोकोविक है उनके द्वारा ही ये जीती गई है। और इसी तरह से वुमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो बारबोरा क्रेचिकोवा है जो कि पोलैंड की रहने वाली है, इनके द्वारा ये जीता गया। इसी तरह से विंबलडन की बात करते हैं तो विंबलडन भी पुरुष कैटेगरी के अंदर बात करते हैं नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया था, और इसी की जो ऑस्ट्रेलिया की आर्सली बार्टी है उन्होंने बेसिकली वुमेन्स कैटेगरी के अंदर ये जीता। अब बात करते हैं यूएस ओपन की, सो डेनियल मेदवेद ने ये जीता है, और जो वुमेन्स कैटेगरी की बात करते हैं तो इमा रादू कानू जो है इनके द्वारा ये जो टाइटल है वो भी जीता गया है। ये बेसिकली लॉन टेनिस के जो है वो माने जाते हैं। अब अपने इस यूएस ओपन की यदि अपने बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं तो इस ये जो गेम खेला गया था, सबसे पहला जो फर्स्ट एडिशन था वो इसका 1881 के अंदर खेला किया गया था, और इस बार जो है 2021 के इस अंदर इसका 141वां एडिशन जो है वो माना गया है। इसकी जो लोकेशन है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर बेसिकली इसको खेला किया गया था। और इसी तरह से यदि बात करते हैं जो इसकी जो इनामी राशि है, बेसिकली जो भी विनर रहता है उसको लगभग यूएसए के 57.5 मिलियन जो डॉलर है वो राशि प्रोवाइड करवाई गई है इस बार 2021 के जो विनर हैं उनको। इसी तरह से बात करते हैं अपने सबसे ज़्यादा बार ये जो यूएस ओपन जीता गया है मेंस कैटेगरी की यदि अपने बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम्स ये जो जीता गया है 7 टाइम्स जीता गया है मेंस कैटेगरी के अंदर, और ये जो है 3 प्लेयर हैं जिन्होंने 7 7 टाइम्स ये जीते हैं, जिसके रिचर्ड सियर्स होते हैं, विलियम लर्न हुए और बिल टेडन हुए टिल्डन। ये 3 प्लेयर हैं जिन्होंने 7 टाइम्स बेसिकली इसको जीता है, और ये तीनों के तीनों अमेरिका के रहने वाले हैं और अमेरिकन प्लेयर्स माने जाते हैं। इसी तरह से यदि वुमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम्स जो है ये वो 8 टाइम्स जीता गया है, जो कि मोला मैलोरी नाम की एक नॉर्वे की रहने वाली टेनिस की प्लेयर थी, बाद में ये जो है अमेरिका की बन चुकी थी, तो इनके द्वारा सबसे ज़्यादा टाइम ये जीता गया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में कौन शपथ लेंगे, जो कि आज ही शपथ लेंगे, 13 सितंबर है आज, और 13 सितंबर का 2 बजे इनका जो शपथ का कार्यक्रम है वो डिसाइड किया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूपेंद्र पटेल जी जो है गुजरात के नए 17वें मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इससे पहले यदि अपने बात करते हैं तो विजय रूपानी जी जो थे वो बेसिकली बने हुए थे
और इसी तरह से आगे भी यदि अपने बात करते हैं, एम के स्टालिन जो है वो यहाँ के बने हुए थे, और एम के स्टालिन जो है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, पुष्कर सिंह थामी जी है जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। अब बात करते हैं विजय रूपानी यहाँ के 16th नंबर के थे, और 15th नंबर की यदि अपने बात करते हैं तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि नरेंद्र मोदी जी के बाद यहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी। इसी तरह से यदि गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ की जो राजधानी है वो गांधीनगर के नाम से जानी जाती है। इसी तरह से आगे बात करते हैं तो अपने यहाँ के जो राज्यपाल बने हुए हैं आचार्य देवव्रत जी बने हुए हैं। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला दुनिया का जो 8वां देश है वो कौन सा बन चुका है। सो इसका राइट आंसर होगा साउथ कोरिया जो कंट्री है, इसके द्वारा बेसिकली अभी जो सबमरीन है उससे एक बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो किया गया है। इसी को देखते हुए ये जो कंट्री है साउथ कोरिया कंट्री, ये भी 8 देशों का एक जो ग्रुप है उसके अंदर शामिल होगी, जो कि 8वां कंट्री माना जाता है। इससे पहले इसकी यदि बात करते हैं तो यूएसए हुआ, चाइना हुआ, ब्रिटेन हुआ, इसी तरह से फ्रांस हुआ, इंडिया हुआ, और जापान की बात करते हैं तो ये कुछ 7 कंट्रीज़ है जिनके साथ में जो है ये ग्रुप जो है वो भी बना है, 8वां ग्रुप जो ये शामिल हुआ है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं आइसलैंड के बारे में, सो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी एक मशीन जो है वो इस्टेब्लिश की गई है, जो कि एयर के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 वो बेसिकली ये बाहर निकालेगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, SBI के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को किस राज्य का आर्थिक सलाहकार जो है वो नियुक्त किया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश राज्य के इनको आर्थिक सलाहकार के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। ये बात करती हैं तो अभी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर SBI के चेयरमैन हैं, आप लोग नाम बताइएगा इनका नाम क्या है। यदि आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में बताएंगे तो आपका नाम जो है विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि कल पब्लिश होगा उसके अंदर पब्लिश भी किया जाएगा। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र की, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसी तरह से एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों के द्वारा महाराष्ट्र के अंदर रोड जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए लगभग 300 जो US डॉलर है, मिलियन डॉलर उसकी राशि या फिर एक लोन जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। राजस्थान की बात करते हैं तो अवनी लखेरा जिन्होंने कि पैरा ओलंपिक के अंदर इस बार भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता, और इसी के साथ एक कांस्य पदक भी इनके द्वारा जीता गया था, और ये पहली ऐसी महिला बनी है जिन्होंने कि एक ही ओलंपिक में एक ही और दो मेडल जो है वो इनके द्वारा जीते गए। असम की बात करते हैं तो कार्बी समुदाय के लोगों के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम है उनके बीच में एक समझौता जो है वो किया गया है। फिर बात की है अपनों ने यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बारे में, सो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है आंध्र प्रदेश राज्य का शो किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि तमिलनाडु हुआ, कर्नाटका हुआ, तेलंगाना हुआ, ओडिशा हुआ और छत्तीसगढ़ हुआ, इन टोटल 5 स्टेट्स की जो बाउंड्री है वो टच होती है। इसी तरह से यदि अपनी बात करते हैं जो पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है उसका एक जो डिस्ट्रिक्ट है यनम डिस्ट्रिक्ट वो भी यहाँ पर इसकी बाउंड्री इसके साथ में टच होती है। फिर बात करें यहाँ की जो राजधानी है उसके बारे में, जैसे कि यहाँ की जो राजधानी है वो अभी तो हैदराबाद बनी हुई है लेकिन कुछ समय बाद जो राजधानी यहाँ की चेंज हो जाएगी, जैसे कि अमरावती हुई, विशाखापट्टनम हुई और कुर्नूल, ये 3 जो कैपिटल्स है वो यहाँ की बन जाएगी। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो YS जगनमोहन रेड्डी जो है अभी बने हुए हैं, गवर्नर जो है विश्वभूषण हरिचंदन, और फॉर्मेशन जो है 1953 के अंदर हुआ, और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर भारत के अंदर सबसे पहला अलग राज्य जो बना था वो कौन सा बना था। सो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश राज्य बना था। इसी तरह से नेशनल पार्क की बात करते हैं तो 2 नेशनल पार्क है यहाँ पे, एक तो है श्री वेंकटेश्वरा और दूसरा पापी कोनालू नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। विधान
सभा की बात करते हैं तो 175 सीट्स है, विधान परिषद की 58, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11 सीट जो है वो यहाँ पर परसेंट है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करण जी के विद रिवीजन चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण संहिता पुस्तक एक लिखी गई है, इस पुस्तक की जो लेखिका है वो कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा श्रीमती धीरा खंडेलवाल जी के द्वारा बेसिकली ये पुस्तक लिखी गई है, जो कि सिविलियन ऑफिसर है। इसी तरह से बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि अभी बॉलीवुड पे एक मूवी आई थी, एक तो सत्या नाम से, और इसी तरह से फिल्म ऑफ गैंगस्टर नाम की जो दो मूवी आई थी बॉलीवुड की, उन्हीं के जो अपने कह सकते हैं डायरेक्टर है उदय भाटिया, उनके ऊपर या उनके द्वारा बेसिकली ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है। फिर बात करते हैं बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं थे, और इनके द्वारा द प्रोमिस लैंड नाम से एक पुस्तक लिखी गई थी 2020 के अंदर। फिर बात करते हैं शशि थरूर के बारे में, सो ये एक इंडियन पॉलिटिशियन है, कांग्रेस पार्टी से संबंधित है और बहुत अच्छे राइटर ये जो माने जाते हैं, और कहा जाता है कि इनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत शानदार है, इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से बात करते हैं तो इनके द्वारा द बैटल बिलोंगिंग नाम से पुस्तक जो है वो लिखी गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा इकबाल सिंह लालपुरा जी के द्वारा ये जो अध्यक्ष है वो इनको नियुक्त किया गया है, और ये जो है पंजाब राज्य से संबंधित है, और ये जो है एक सिविलियन ऑफिसर जो है वो माने जाते हैं। और इसी तरह से भी बात करते हैं तो ये एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं, जिनके द्वारा अभी तक अराउंड 14 से ज़्यादा जो बुकें हैं वो भी लिखी जा चुकी है। इनको अभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो है वो अध्यक्ष चेयरमैन है वो नियुक्त किया गया है। आप लोग मुझे यहाँ से कमेंट के आंसर बताइएगा कि अभी जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसके जो मेन मंत्री है, मुख्यमंत्री जो है उनका नाम क्या है। इसी तरह से निर्लेप सिंह जी की बात करते हैं तो इनको नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है। जीशी मुर्मू जी की यदि अपने बात करते हैं तो ये प्रेजेंट टाइम में भारत के जो कैग पोस्ट है वहाँ पर विराजमान है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं तो इनको जो है अभी 3 साल के लिए 2024 से 2027 तक का जो ASOSAI जो एक संघ है उसका बेसिकली चेयरमैन जो है इनको नियुक्त किया गया। अब यदि इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो एसोसिएशन एशियन ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट, सो इसका जो चेयरमैन है वो अभी इनको नियुक्त किया गया है। और भारत जो है बेसिकली 2024 से 2027 तक इसके जो अध्यक्ष पद है वो संभालेगा। इसी तरह से हर्षा भूपेंद्र बागरी की बात करते हैं तो जो एक्जिम बैंक है उसकी ये सीएमडी अपने कह सकते हैं नियुक्त अभी की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का जो शुभारंभ है या फिर ये लॉन्च जो किया गया किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे देश के जो जल संसाधन मिनिस्टर हैं स्टेट के प्रहलाद सिंह पटेल जी, उनके द्वारा किया गया। और जल संसाधन मिनिस्टर जो है वो बेसिकली उनकी बात करते हैं तो ये जो है हमारे देश के मंत्री हैं जो कि राजस्थान से रहने वाले हैं। स्मृति ईरानी की बात करते हैं तो पोषण 2.0 जो अभियान है वो बेसिकली इनके द्वारा अभी लॉन्च किया गया। फर्स्ट जो अभियान था 1.0 वो 2018 के अंदर बेसिकली स्टार्ट किया गया था। इसी तरह से बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो शिक्षक पर्व जो था 2021 उसका जो उद्घाटन है या फिर शुभारंभ अपने कह सकते हैं वो इनके द्वारा किया गया था। और इसी तरह से यदि बात करते हैं तो ये जो शिक्षक पर्व है बेसिकली 5 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और 17 सितंबर तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कितने लोगों को विश्वेश्वरया सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा टोटल जो है
जो पर्सन्स है उनको ये सम्मानित किया गया है। सॉरी, यदि अपनी बात करते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 17 पीपल्स को ये जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। अब अपने बात करते हैं इन सभी ऑप्शंस के बारे में। एक पुरस्कार है जो कि AICT, ये जो दोनों पुरस्कार हैं, एक तो विश्वेश्वरया बेस्ट टीचर अवार्ड जो है बेसिकली AICT के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, पहली चीज़। ये जो पुरस्कार है वो टोटल 17 पीपल्स को प्रोवाइड करवाया गया है। टेक्निकल एजुकेशन के अंदर जो बेस्ट टीचर्स होते हैं उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग की यदि अपने बात करते हैं तो इसी के साथ साथ एक जो पुरस्कार है जिसका शुभारंभ जो है AICT के द्वारा अभी स्टार्ट किया गया, 2021 से ये स्टार्ट किया गया, ये फर्स्ट एडिशन था, जो कि डॉक्टर प्रीतम सिंह के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पुरस्कार है, मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट होता है, मैनेजमेंट के जो बेस्ट टीचर होते हैं उनको ये प्रोवाइड करवाया जाता है, और टोटली ये जो है इस बार 3 लोगों को प्रोवाइड करवाया गया। और फिफ्थ की बात करते हैं तो 5 सितंबर जो नेशनल टीचर्स डे था वहाँ पर ये प्रोवाइड करवाया गया था। इस तरह से यदि अपने कह सकते हैं कि AICT के द्वारा अभी जो 5 सितंबर टोटल अवार्ड्स जो प्रोवाइड करवाए गए हैं वो 20 अवार्ड्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं, जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, CGWR करंट GK विद रिवीजन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप ज़रूर आप प्रेस कीजिएगा। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। किस कृषि अनुसंधान संगठन ने अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? इसका राइट आंसर होगा ICRISAT के द्वारा जीता गया, जिसका फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल काउंसिल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्पेस एरिडिक टेरोपिक्स जो है वो बेसिकली है। फिर बात करते हैं 2023 के अंदर भारत सरकार के द्वारा जो G20 शिखर सम्मेलन है उसकी मेज़बानी की जाएगी, और 2021 के अंदर जो मेज़बानी की गई है वो इटली कंट्री के द्वारा की गई है और रोम के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इसी तरह से बात करते हैं महाराष्ट्र के अंदर जो ग्रामीण संपर्क है या फिर रोड कनेक्टिविटी है विलेजों के अंदर, उसको बढ़ावा देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को $300 मिलियन जो है वो ऋण दिया गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी को अभी नियुक्त किया गया, उदय भी रानी मौर्य जी ने भी यहाँ से रिजाइन किया था। फिर बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट रिफॉर्मिंग फ्रेमवर्क जो है अभी 6th एडिशन की जो लिस्ट है वो जारी की गई, जिसके अंदर भारत की तरफ से IISc बेंगलुरु जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप पे रही है। इसी तरह से बात करते हैं राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1979 के अंदर मानी जाती है और नोएडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, कि जो नए CMD नियुक्त किए गए हैं वो निर्लेप सिंह जी किए गए हैं। और भारत के अंदर 9 सितंबर को जो है वो हिमालय दिवस मनाया गया था, और बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा भी हाल ही में डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड जो है वो लॉन्च किया गया, जिसके तहत बैंकिंग से संबंधित जो भी सर्विसेज होती है वो सभी एक ही रूफ के अंदर ये प्रोवाइड करवाई जाने की घोषणा इसके तहत की गई है। ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर कीजिएगा। ये यहाँ पर आपके जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आज के आंसर्स हैं। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।